देखिए डिजाइन टैब पढ़ना है कि डिजाइन टैब का इस्तेमाल एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है। फॉर्म डिजाइनिंग के दौरान हम लोग कुछ ऑप्शन डिजाइन के पहले भी पढ़ चुके हैं। डिजाइन टैब छोटा सा टैब है, मुश्किल से आपका 10 मिनट लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एमएस वर्ड को आप ओपन कर लीजिए और आ जाइए डिजाइन टैब पे। पहला इसमें दिया है थीम ग्रुप, तो देखिए थीम ग्रुप कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रैंडम टेक्स्ट ला लीजिए। रैंडम टेक्स्ट लाने के बाद मिल जाएगा आपको थीम, तो आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जो थीम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से वो थीम अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस का थीम है, फैसेट का है, इंटीग्रल का है, ऑयन का है, स्लाइस का है, कई सारा थीम है। तो देख पा रहे हैं जब थीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट का लिखावट भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो आप यहाँ से अलग अलग थीम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे, जो थीम आपको अप्लाई करना। वही चीजें यहाँ भी दिया है कि कई सारा थीम दिया है, इसमें से जो थीम अप्लाई करना चाहते हैं उस थीम पे आप कर्सर लेके जाइए और क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वो थीम आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में थीम ही दिया है कि जो थीम अप्लाई करना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और थीम पे बस क्लिक कर देना। नेक्स्ट देखिए आपको मिल जाएगा कलर। तो देखिए पहले नंबर कलर समझना है, तो पहले मैं एक शेप इंसर्ट करा ले लूं। चलिए मैंने एक छोटा सा शेप इंसर्ट करा और जाइए अब डिजाइन टैब, यहाँ देगा कलर। तो यहाँ से आप देखिए जो कलर अप्लाई करेंगे वो कलर आपके शेप पे अप्लाई होगा। पहले नंबर तो ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, ये डायरेक्ट शेप पे अप्लाई होगा और शेप पे अप्लाई होने के बाद इसका इम्पैक्ट सीधे आपके कलर पैनल पे पड़ेगा। देखिए कलर पैनल को अभी आप ध्यान से देखिए, होम टैब और यहाँ से हमने फॉन्ट कलर को क्लिक किया, तो इसमें देख लीजिए सारा कलर कौन कौन सा है, क्योंकि वहां डिजाइन टैब से हम लोग कलर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे कलर पैनल भी चेंज होगा। तो देख लीजिए आप, अब सिंपल आप जाइए डिजाइन और यहाँ से कलर को सेलेक्ट कीजिए, कोई कलर ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया यहाँ से रेड वायलेट। तो पहले नंबर तो शेप पे काम किया और दूसरे नंबर होम पे आप जाएंगे और अब कलर पैनल को देखिए, कुछ कलर पैनल में कलर चेंज मिला, पहले का कलर कुछ और था, अब का कलर देखिए चेंज है। फिर आप कलर को चेंज करेंगे वहां से तो इसमें का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिजाइन में जाइए और यहाँ से आप कोई एक कलर ले लीजिए, चलिए हमने ये वाला कलर ले लिया। अब जाइए होम टैब और कलर पैनल को देखिए, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और जो कलर इसमें से आप लगाना चाहते हैं वो कलर यहाँ से टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमको कलर पैनल में नहीं मिलते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो कलर पैनल में भी कलर आ जाएगा जो आप यहाँ से कलर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने मार्क्यू वाला ले लिया, तो अब होम टैब में जाके देखेंगे कलर पैनल चेंज हो जाएगा, इसमें से अलग अलग कलर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा देखिए डिजाइन फॉन्ट। तो चाहे फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए और नहीं तो आप जाइए होम टैब और होम टैब में आपको देखिए मिल जाएगा फॉन्ट, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लीजिए। जितना सेलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा उसका फॉन्ट क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे मैंने सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट इसका चेंज कर दिया, बाकी और का भी चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब में जाके यहाँ से जो फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉन्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपका फॉन्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही ऑप्शन यहाँ भी देता है डिजाइन टैब और फॉन्ट, आप यहाँ से भी वो सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ पे दिया है आपको नो पैराग्राफ स्पेस, पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग हट जाएगा। कॉम्पैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे और डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन, टाइट कीजिए, ओपन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डबल कीजिए, तो पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, मेंटेन होता जा रहा है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि पैराग्राफ के बीच की गैपिंग कितनी होनी चाहिए। कस्टम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वही चीजें यहाँ से भी सेट कर सकते हैं,
लाइन की स्पेसिंग सेट करना है डबल प्रीव्यू। यहाँ पे आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे देगा इसका। तो यहाँ से आप लाइन और पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि पैराग्राफ के बीच स्पेस रहेगा कितना रहेगा, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट। ये भी इफेक्ट जो है ना आपके सेप पे ही काम करेगा। तो देखिए ये सेप है, ध्यान से देखेंगे वो तभी पता चलेगा। और सेप का आउटलाइन मान लीजिए हमने कर दिया, आउटलाइन हम इसका कर दिए रेड, दिखाई दे रहा है आउटलाइन उसका। और यहां से आप चेंज करेंगे तो केवल ये सेप पे काम करेगा। इफेक्ट देखिए यहां से आउटलाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, केवल उसकी आउटलाइन पे इफेक्ट डालेगा बाकी किसी पे नहीं। तो यहां से आप सेप का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग इफेक्ट दिया है, ये केवल सेप की आउटलाइन पे काम करता है। तो जो इफेक्ट देना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, वही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा आपके सेप की आउटलाइन पे। नेक्स्ट दिया देखिए सेट एज डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये पैराग्राफ है, देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी है। और यहाँ पे मैंने यहाँ ये ऑप्शन ले लिया नो पैराग्राफ स्पेस, यानी अब पैराग्राफ के बीच का स्पेसिंग क्या हो गया, रिमूव हो गया। और इसको हमने सेट एज डिफॉल्ट कर दिया, यस कर देंगे तो अब जितनी बार आप मान लीजिए मैंने सबको सेलेक्ट किया डिलीट किया, इक्वल रैंड करेंगे तो देखिए वही फॉन्ट में टाइप हो रहा है। और जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए बिना स्पेस का पैराग्राफ आएगा, यानी कि आपने सेटिंग कर दिया है नो पैराग्राफ स्पेस और उसी सेटिंग को डिफॉल्ट बना दिया है कि अब जितनी बार आप रैंडम पैराग्राफ लाएंगे तो बिना स्पेस का ही आएगा, स्पेस नहीं आएगा। अगर इसको मान लीजिए हमने कर दिया ओपन या रिलैक्स और इसको हम कर दिए सेट एज डिफॉल्ट और इसे यस कर दिए, तो अब जितनी बार भी हम क्या करेंगे पैराग्राफ लाएंगे फॉन्ट वही रहेगा और उतना ही स्पेसिंग रहेगा जितना कि हम डिफॉल्ट बनाए। तो यहां से सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे ना तो जो आप सेटिंग किए रहेंगे वही डिफॉल्ट मोड में सेट हो जाएगा। देखिए रिलैक्स वाला डिफॉल्ट मोड में सेट, फिर हम लाइन पे क्लिक करेंगे और इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, यस नॉर्मल हो जाएगा। वाटरमार्क लगाना हम लोग सीख चुके हैं, क्लिक कीजिए देखिए यहाँ कई सारा वाटरमार्क का फॉर्मेट दिया। कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक किए तो देखिए पेज के बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क लग के आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। तो कई बार होता है जब पीडीएफ हम लोग बनाते हैं मेहनत से कोई नोट्स आप टाइप करते हैं, आप चाहते हैं बैकग्राउंड में हमारे सेंटर का नाम या हमारा नाम रहे, तो आप वाटरमार्क के रूप में लगा दीजिए और वाटरमार्क के रूप में लग जाएगा तो वो हटेगा नहीं। एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी तरीके से आपका ये वाटरमार्क नहीं हटेगा, बता रहे वाटरमार्क। तो देखिए ये कॉन्फिडेंशियल 1/2 पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर यहाँ पे डू नॉट कॉपी वाला वाटरमार्क चाहिए तो डू नॉट कॉपी वाला, डू नॉट कॉपी हॉरिजॉन्टल में लिख किया है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, अपना नाम लिखना है तो यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कीजिए और डू नॉट कॉपी को हटा के आप अपना नाम लिख दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम लिख दिया आपका और यहाँ पे साइज ऑटो रखिए ताकि पेज में ऑटोमेटिक फिट हो जाए। कलर आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, चलिए हमने कलर कर दिया रेड, डायगोनल रहेगा कि हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हम इसे कर देंगे डायगोनल। और सेमी ट्रांसपेरेंट को आप हटा देंगे तो हाईलाइट रहेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट के टिक को क्या कर दीजिए हटा दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो देखिए वाटर मार्क अब आपके पेज में लग के आ गया जो आप नाम दिए थे। तो ये समझ में आया वाटर मार्क कैसे लगाना है, हटाना है तो रिमूव वाटर मार्क करेंगे, वाटर मार्क हट जाएगा। वाटर मार्क के रूप में पिक्चर भी लगा सकते हैं, फिर कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट की बजाय हम क्या लेंगे
पिक्चर वाटर में सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कीजिए और जहां भी आपका पिक्चर हो यहां से आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से कई सारा पिक्चर आपको मिल जाएगा। जो पिक्चर आपको लगाना है यहां से आप सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। ऑफलाइन पिक्चर रहेगा तो ये टाइम नहीं लेगा, हमने ऑनलाइन इंसर्ट किया है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए ये फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं किया, दूसरा ले लीजिएगा कस्टम वाटरमार्क पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर, कंप्यूटर से लाना होगा तो फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक कीजिए, जो भी पिक्चर लगाना हो क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ ओके। जैसे ही ओके पे करेंगे तो देखिए वाटरमार्क के रूप में वो पिक्चर लग चुका है, पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जाएंगे कस्टम वाटरमार्क और एक ऑप्शन देगा वॉश आउट, इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, वो पिक्चर अब और हाईलाइट हो गया है, तो वाटरमार्क के रूप में पिक्चर भी क्या हो चुका है, लग चुका है। तो पिक्चर नहीं उतना अच्छे से लगता है, नाम सबसे बेस्ट रहता है, टेक्स्ट और यहाँ से आपको जो नाम देना है नाम दे लीजिए, जो आपको नाम देना है देने के बाद यहाँ से कलर का सिलेक्शन कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद डायगोनल ट्रांसपेरेंट को हटाइए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए और देखिए वो बैकग्राउंड में लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए पेज कलर, तो अब पेज का कलर हमें क्या करना है चेंज, तो पेज कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारा कलर देगा, जो आपको कलर यहाँ से लगाना है पेज का कलर वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए आप चाहते हैं कि और भी कलर लगाएं तो मोर कलर पे क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन हुए हो क्या तुम लोग, चलो ठीक है, म्यूट ही रखना अपने आप को। तो देखिए यहाँ से हम कई सारा कलर भी कस्टम करके लगा सकते हैं, जो आपको कलर लगाना है यहाँ से क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए और वही कलर लग जाएगा। फिल इफेक्ट पे जाएंगे, कलर हटाना है तो नो कलर, फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारा नहीं ग्रेडियंट देगा, एक कलर लगाना है तो यहाँ से एक कलर अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, कितना डार्क रहेगा कितना लाइट रहेगा, यहाँ से मैं सेट किया और ओके पे क्लिक किया, पेज हमारा उसी कलर में कन्वर्ट हो गया। फिर यहीं पे देगा आपको देखिए फिल इफेक्ट, टू कलर पे क्लिक करेंगे तो दो कलर देगा, जो जो आपको कलर लगाना है लगा लीजिए। शेडिंग स्टाइल वर्टिकल रहेगा, प्रीव्यू सब दिखा रहा है, डायगोनल रहेगा, डायगोनल डाउन फ्रॉम, ये आप ले लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए, वही कलर आपके पेज पे लग जाएगा। आप चाहते हैं ग्रेडियंट कलर लगाए तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा ग्रेडियंट, तो हमने लगा ही दिया दो कलर। टेक्सचर लगाना है तो टेक्सचर भी लगा लो, जो आपको लगाना है क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो और देखो पेज आपका टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, कई सारा टेक्सचर दिया है, आप यहाँ से टेक्सचर लगा सकते हो, बहुत सारा टेक्सचर दिया, आपको बस क्लिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, वही टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। बाकी पैटर्न लगाना होगा तो यहाँ पैटर्न भी दिया, देखो कई सारा पैटर्न दिया, सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर लगाना होगा तो सेलेक्ट पिक्चर और बताएं कि आप कैसे पिक्चर लगाएंगे। चलो हमने पिक्चर ले लिया।
और जो पिक्चर आपको यहाँ से लगाना है वो पिक्चर सेलेक्ट और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे पिक्चर इंसर्ट और यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए, वही पिक्चर आपका पेज में लग जाएगा। बाकी हटाना है तो हम क्या कर देंगे, नो कलर। ऐसे बॉर्डर लगाना है, चैट भी कर रहे हो क्या तुम लोग इसमें? देखिए पेज कलर, तो पेज कलर हो गया, आप पेज बॉर्डर सीख लीजिए। डायरेक्ट हम लोग देखिए पहले नन है, बॉर्डर अभी कोई नहीं लगा, बॉक्स का बॉर्डर लगाना है तो क्लिक कीजिए। स्टाइल आपको अलग अलग देगा, जो स्टाइल लगाना है सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर का कलर क्या रहेगा आप चूज कीजिए, उसकी विड्थ कितनी रहेगी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपल ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए बॉर्डर लग के आ गया। आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर और लास्ट में रहे तो पेज बॉर्डर ऑप्शन, और बताए थे सबको 00 कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से ओके पे क्लिक, ये बॉर्डर आपका लग जाएगा। डिजाइन वाला बॉर्डर लगाना है तो क्लिक कीजिए, और यहाँ पे दिया है आर्ट और नन है, नन की बजाय यहाँ पे कई सारा डिजाइन आपको मिल जाएगा। देखिए जो आपको डिजाइन लगाना है यहाँ पे वो डिजाइन आप चूज कर सकते हो, चूज करने के बाद सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। कई सारा डिजाइन है, जो आपको डिजाइन लगाना है क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे बॉर्डर के रूप में ये लग जाएगा। और भी कई सारा देगा, शैडो वाला लगाना है तो आप शैडो वाला बॉर्डर लगा सकते हो, कलर उसका क्या देना है तो कलर आप दे लो, विड्थ सेट करना है ये सेट करने के बाद कस्टम 00 है ही, बस यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए और आर्ट की जगह मान लो चलो हम आर्ट भी रहने दिए, ओके पे क्लिक किए तो देखो ये बॉर्डर हमारा लग जाए। तो आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो, 3D बॉर्डर आपको जो लगाना है यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कलर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लो, और सेट करने के बाद ओके। तो ये 3D बॉर्डर, तो जो आपको बॉर्डर लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। कई सारी चीजें दी बताएंगे अलग अलग, देखिए कंट्रोल इंटर मैं करूंगा तो ये बॉर्डर आपके दूसरे पेज पे भी वाटर मार्क दूसरे पेज पे, तो हम लोग आगे सीखेंगे कि अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर कैसे लगाना है, अलग अलग वाटर मार्क कैसे लगाना है। तो ये हो गया आप लोग का डिजाइन टैब कंप्लीट। अलग अलग पेपर